देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाली जगदीश मंदिर मेवाड़ ही नहीं अपितु दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। मंदिर के बारे में बात की जाए तो यह मंदिर लगभग 371 वर्ष पुराना है और मंदिर का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। मंदिर की सेवा के लिए पुजारी दरबार के समय से ही नियुक्त किए गए थे। आजादी के बाद सभी मंदिरों का विलय देवस्थान विभाग में कर दिया गया। उस समय जगदीश मंदिर में लगभग 25 सेवादार पुजारी परिवार के अलावा अलग से हुआ करते थे, जिसमें छड़ी वाला, प्रहरी, सेवादार, घंटे वाला, सफाई वाला इत्यादि हुआ करते थे। जगदीश मंदिर में जगन्नाथ स्वामी के स्वयं के इतने आभूषण थे कि हर एक पूजा के प्रहर में उनको अलग आभूषण धारण करवाए जाते थे। लेकिन आज की अव्यवस्थाओं की वजह से सभी धर्म संगठनों के साथ पुजारी परिषद ने मंदिर में एक महासभा का आयोजन किया। पुजारी परिषद के हेमेंद्र पुजारी ने बताया कि मंदिर जब से देवस्थान विभाग के अंतर्गत आया है तब से मंदिर की हालत खराब हो गई। साल भर में लगभग प्रतिमाह 2 या 3 बड़े आयोजन मंदिर में होते हैं। जगदीश मंदिर में मुख्य आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी, निर्जला एकादशी, मंदिर का पाटोत्सव, रथ यात्रा तथा प्रत्येक माह की दोनों एकादशी पर मंदिर में काफी बड़े और भव्य आयोजन होते हैं। वर्तमान में अगर मंदिर की स्थिति देखी जाए तो पिछले 40 से 50 वर्षों से मंदिर की सुध देवस्थान विभाग ने किसी भी तरह से नहीं ली है। देवस्थान विभाग प्रतिवर्ष सिर्फ एक बार मंदिर आता है, वह भी वहां रखी तिजोरी को खोलने। तिजोरी खोलने के बाद जो भी पैसा आता है वह देवस्थान सीधा अपनी जेब में रख लेता है। बात करें अगर सेवादारों की तो वर्तमान में मंदिर में कोई भी सेवादार मौजूद नहीं है। ठाकुर जी की सेवा में लिए जाने वाले सभी तरह के आभूषण पूरी तरह से टूट चुके हैं, साथ ही घंटी, मांदल, आरती भी पूरी तरह से टूट गई है। पुजारी परिषद के साथ साथ इन समस्याओं को भक्तों ने और सभी धर्म संगठनों ने भी बार बार लिखित में देवस्थान विभाग को दिया, लेकिन पिछले 40 वर्षों से अभी तक देवस्थान विभाग ने एक बार भी किसी भी प्रकार के आभूषण की न तो मरम्मत करवाई है और न ही उन्हें बदला है। जबकि आत्मनिर्भर श्रेणी में आने वाला ये मंदिर खुद अपना खर्च उठा रहा है, फिर भी देवस्थान विभाग द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं की गई। जगदीश मंदिर के सभी जेवर 2 तालों में रखे गए हैं, जिनके लिए पुजारी परिषद द्वारा हर एक आयोजन पर पूर्व में लिखित में सूचना देनी पड़ती है, फिर देवस्थान विभाग आकर वह टूटे हुए जेवर निकालता है। इसमें भी काफी मिन्नतें करने के बाद देवस्थान से अधिकारी आते हैं। मंदिर के बाहरी स्वरूप की अगर बात करें तो मंदिर पर गुंबद से लेकर चारों तरफ बड़े बड़े पीपल, बरगद के पेड़ निकले हुए हैं, जिनको काफी समय से काटा नहीं गया। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर लगने वाले पेड़ों की जड़ें मंदिर के नीचे तक आ चुकी हैं और बारिश होने पर पूरा पानी ठाकुर जी के गर्भगृह तक जाकर गिरता है। पेड़ों की कटाई छटाई के लिए अभी देवस्थान ने कुछ समय पूर्व निविदा निकाली थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंदिरों के बाहर लगी मूर्तियां भी रखरखाव के अभाव में टूट चुकी हैं। पुजारी परिषद की मांग है कि समय समय पर ठाकुर जी के व्यवस्था बराबर की जाए, क्योंकि जगन्नाथ स्वामी के भोग के बारे में जब भी देवस्थान को कहा जाता है तो देवस्थान भोग के नाम पर सिर्फ मिश्री भेज देता है। अगर अब भी देवस्थान विभाग नहीं चेता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी। जय जगदीश। मेवाड़ की इस पावन धरा से, श्री जगदीश मंदिर के इस पावन क्षेत्र से मैं सभी हिंदू सनातनियों, धर्मावलंबियों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आज जो मंदिरों की दुर्दशा, दुर्व्यवस्था और जो भगवान के साथ अत्याचार देवस्थान विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध हम सब एकजुट होके, एक साथ होके या तो आंदोलन करें, उग्र से उग्र आंदोलन करें, ताकि हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो ठाकुर हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनके खिलाफ जो देवस्थान कृत्य कर रहा है, जो दुर्व्यवहार कर रहा है, जो उन्हें उपेक्षित रख के बैठा हुआ है, उनको सही सुचारू रूप से, सही तरीके से मंदिरों को पुनः उनके पूजा पद्धति और विधान के अनुरूप सेवा प्रणाली के अंदर लाया जा सके। आज से जगदीश मंदिर के अंदर, जगदीश मंदिर से इस माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अच्छी जगदीश मंदिर, जो उत्तर भारत का सबसे विशाल मंदिर है और मेवाड़ का सबसे प्रमुख विष्णु मंदिर है, जहाँ पे हजारों लाखों भक्त जुड़े हुए हैं, आज उन भक्तों की वजह से मंदिर में सारी सेवाएं समय पे ऋतु अनुसार, मर्यादा अनुसार हो रही है, परंतु देवस्थान जो कि विभाग इन मंदिरों की सेवा प्रणाली और ठाकुर जी की सारी सेवा व्यवस्थाओं के लिए देवस्थान बना हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बहुत दूर जा चुका है और उनका निर्वहन नहीं कर पा रहा है। आज सवेरे से लेकर शाम तक ठाकुर जी की जो सेवा के अंदर चीज़ें काम में आते हैं, आरती, शंख, घंटी, घंटा, ठाकुर जी के नियमित वस्त्र, ठाकुर जी के जल, चंदन, केसर इत्यादि फुलेल,
ठाकुर जी के भोग सामग्री, राग, ठाकुर जी के नौकर, ठाकुर जी के पान, ठाकुर जी के दूध, इन सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे देवस्थान विभाग ने खत्म कर दिया है। आज श्री मंदिर में हमारे पास ठाकुर जी को धारण कराने के लिए जेवर भी नहीं है। सारे सामान, सारे जो जेवर हैं, आरती वगैरह हमने वहाँ पे रखी है ताकि आप देख सकें कि आज वो किस अवस्था में है। हजारों बार देवस्थान को हमने इसके बारे में अवगत कराया है, देवस्थान से विनती की। सिर्फ हमने ही नहीं, सभी संगठनों ने और सभी भक्तों ने कई बार देवस्थान को इसके ऊपर चिट्ठियाँ लिखी, परंतु आज तक देवस्थान ने इसके ऊपर कभी भी न तो संज्ञान ला लिया और न ही कभी इसके ऊपर कार्यवाही की। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, सभी सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि अब समय आ गया, ये जो दुराचार अत्याचार हमारे देवताओं के साथ, हमारे भगवान के साथ देवस्थान मंदिरों में कर रही है, उसके खिलाफ हम सभी एकजुट होकर, एक साथ होके और इसके खिलाफ हम आंदोलन करें। कोरोना काल के अंदर भी देवस्थान विभाग द्वारा जो भगवान के साथ दुराचार किया गया वो एक ऐसा कृत्य था जो मैं सभी सनातनियों को बताना चाहता हूँ कि जगदीश मंदिर में अपनी एक भोग मर्यादा है, उसके अंदर देवस्थान के असिस्टेंट कमिश्नर ने 1 किलो मिश्री ला के दी। जहाँ पे रोज 1 किलो शक्कर चाहिए हमें, 1 किलो चावल चाहिए, 4 किलो आटा चाहिए, वहाँ पे 1 किलो मिश्री ला के बोला कि 6 में सवेरे और शाम भोग लगाओ और ठाकुर जी को तृप्त करो। और जब हमने बोला कि ये अमर्यादित है तो उन्होंने बोला कि कोरोना चल रहा है और मंदिरों को बंद कर दो। तो इस प्रकार का रवैया है देवस्थान का मंदिरों के प्रति। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी एकजुट होकर सभी जागे अपने आराध्यों के लिए, अपने इष्ट के लिए, और इसके ऊपर सभी एक साथ होके आज ये पीपल के पेड़ कई वर्षों से लग रहे हैं लेकिन देवस्थान इनको करने में असक्षम है। और आज भी अगर ये जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है तो उसके अंदर देवस्थान का कोई योगदान नहीं है। देवस्थान तो बाहर से पैसा मांग के लाई और करा रही है। जब आप घर ही ठीक नहीं करा सकते, जब घर के अंदर आराध्य विराजमान है, उनकी आप सेवा सही तरीके से नहीं कर सकते, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मंदिरों को हमें पुनः सौंप दें और हमारे आस्था और हमारे भगवान के साथ और हमारे आराध्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना करें। जय जगदीश।